एक अलग से आवाज़ सुनी कि अम्मी की तबीयत हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बस मैंने उनको बोला था मैं मिलने आऊँगी उनसे। डिसफंक्शनल फैमिली का मतलब ये होता है कि ऐसी फैमिलीज जो अपने आप को शो कराती हैं कि भाई हम तो बहुत खुश हैं, हम इकट्ठा रहते हैं, हमें कोई लड़ाई नहीं है, हम लोगों में सब ठीक है, बट असल में उन रिश्तों में कोई बुनियाद नहीं होती। बेसलेस रिश्ते होते हैं वो, बिना प्यार के, और दिलों में कुछ नहीं होता, खोखलापन होता है, बस खोखलापन। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, तो उसको बताया जाता है बेटा ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारा दादा है, ये तुम्हारी पप्पू है, ये तुम्हारे चाचा हैं, बहुत सारे रिश्तों को दिखाया जाता है, ददियाल, ननियाल, नानी, मामू, मामी, सब बताया जाता है। और बच्चों को अच्छा भी लगता है कि यार हम एक फैमिली में रह रहे हैं, हम एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो हम भी इसी तरह से पले भरे। और मेरे ददियाल वालों के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था, क्योंकि अब कह नहीं सकती कि है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उसको था मैं बोलूँ या है मैं बोलूँ। खैर, लास्ट ईयर 24th of December मेरे लिए एक ऐसा दिन था जो शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी इस तरह नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिसमस था उसके एक दिन बाद, और 24th को एकदम से मुझे पता चलता है, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को कैसे बोलूँ। मैं इस चीज़ को पिछले एक साल से एक्सेप्ट करने में अपने आप को इतना टाइम लगा दिया मैंने कि यार ऐसा हो चुका है। और लास्ट ईयर 24th of December को एक कॉल आती है, और मैं बहुत नॉर्मली, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऑब्वियसली मैं किसी के घर पे, शादी का सीज़न था तो मैं मेकअप कर रही थी, तो मेरी अम्मा को कॉल आती है और मुझे ऐसे जैसे स्पीकर के बाहर तक आवाज़ आई, मतलब स्पीकर खुला नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे जैसे स्पीकर के बाहर तक आवाज़ आई कि अम्मी की डेथ हो गई है। मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सिंपथी या मैं ये चीज़ें गेन नहीं करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान रोता है ना, लाइक ऑन कैमरा या लोगों के सामने, तो वो सिंपथी गेन करता है। तो मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी के सामने भी रोऊं या जिताऊं कि मैं रो रही हूँ या मैं खुश हूँ या मैं जैसी भी हूँ। मैं आज शायद ये वीडियो भी ना बनाती, मगर जो मैं एक लास्ट फ्रॉम बट जो मैं एक पूरे साल से, लास्ट वन ईयर से मैं जो फील कर रही हूँ, इस चीज़ को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए वीडियो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू मैं अपना दुख, अपनी तकलीफ कम कर लेती हूँ, मतलब हाँ, दुआ करके मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, और बेशक जो एनर्जी गॉड से मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिल सकती, वो किसी इंसान से नहीं मिल सकती। बट मैं जो बात बताना चाह रही हूँ, आप प्लीज़ उसे सुने। मेरी दादी की डेथ मेरे लिए कोई सिंपल चीज़ नहीं थी, मेरी दादी से मैं बहुत अटैच थी। मेरी दादी एक ऐसी इंसान थी जिनको मैं बचपन में देखती थी, जब भी मैं उनके घर रात रुकने जाती थी, बिकॉज हम लोग, मेरे पापा और मेरे दादी लोग साथ ही रहते थे, हम लोग सेपरेट फैमिलीज में रहते थे, मेरी दादी लोग अपने घर में रहते थे और हम लोग अपने घर में रहते थे, तो मुझे बहुत शौक था तो बचपन में कि मैं अपनी दादी के पास जाकर रुकूं, और मतलब ऐसा था कि हम लोग सब अच्छे से, मतलब जैसे रहते हैं वैसे ही, मतलब बट हम लोग जब भी दिल करता तो मैं अपनी दादी के घर पर रुकने चली जाती, अपनी दादी के घर पर रात रुकने चली जाती। मुझे बहुत ऐसा होता था कि जैसे ही फ्राइडे आया, जैसे ही वीकेंड आया, तो मैं दादी के घर पर जाऊँ और दादी के घर पर जाके रहूँ, बिकॉज ऐसा होता था कि दादी के घर पर जाके ना बहुत ऐसे अच्छा लगता था कि हाँ मैं अपनी दादी के घर पर आई हूँ। तो जब दादी के घर पर जाते थे तो जब वो रात में उठ के जब वो दुआ करती थी, मतलब 4:30-5 बजे के दरमियान, और उनके साथ ही मैं सोती थी, और उनने अक्सर जल्दी उठ के दुआ करना, फिर चर्च जाना, और उनके ज़रिए मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी हैं जो शायद सभी बच्चे सीखते हैं अपने दादा दादी नाना नानी से। तो मैंने भी अपनी अम्मी से बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी, मैं अपनी दादी को अम्मी कहती हूँ, तो मैंने अपनी अम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी अम्मी को ऐसे खो दूँगी या ऐसे होगा, और जब मुझे पता चला कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, तो
तो हालात ऐसे थे कि हमारी फैमिलीज में कुछ अच्छा नहीं था. हम लोग मतलब हर फैमिली में, हर देसी फैमिली में अनबन होती रहती है, ऑन एंड ऑफ होती रहती थी, ऐसा कि हमारी नहीं बनती थी. और मतलब ऐसा होता था ना, कभी लड़ाई झगड़े हो गए तो हाँ, वो हर फैमिली में होता है. इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोग बहुत बहुत, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बट खैर, मेरी अम्मी की जब डेथ हुई, जिस दिन डेथ हुई और मुझे कॉल पे पता चला कि अम्मी इज़ नो मोर, और जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिलकर आई थी तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगी, तो मैं उनसे मिलने तो नहीं जा सकी मगर अगर खुदा ने चाहा तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, दुनिया में नहीं मगर खुदा के घर में, जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं और कोई परेशानियाँ नहीं. तो जब दादी की डेथ हुई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उनको लास्ट टाइम देखने जा सकती हूँ, मगर क्योंकि हम लोग दादी लोग के साथ नहीं रहते थे, तो जिस दिन दादी की डेथ हुई तो हमें डायरेक्ट अपने किसी पप्पू या किसी ऐसे इंसान से नहीं पता चला कि मेरी दादी की डेथ हुई है. हमें पता चला उनके गांव जहाँ पे वो इंटीरियर में, जहाँ पे उनकी बहनें रहती हैं, उनके किसी रिश्तेदार से पता चला कि यार हमारी दादी की डेथ हो गई है. तो उस चीज़ का किसी थर्ड पर्सन से पता लगना अपने लेवल पे बहुत एक दिल तोड़ने वाली चीज़ है. मैं नहीं जानती कि मेरे जो अपने हैं, जिनको मैं अपना कहती थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था. किसी की डेथ होना, किसी की शक्ल नहीं देखने देना और ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता इनके दिमाग में कैसे आती हैं, कैसे नहीं आती. खैर, मैं एक पोती होने की हैसियत से सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी पोती हूँ और मैं इतना फील कर रही हूँ कि मेरी दादी को मुझे लास्ट टाइम नहीं देखने दिया, और देखने नहीं मतलब जनाजा हो चुका था, जनाजा हो रहा था और तब पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है, तो देर वॉज नो टाइम कि मैं उन तक पहुँच सकती और उनको लास्ट टाइम गुड बाय कह सकती. तो उनको मैंने गुड बाय नहीं बोला, उनको मैं बोलकर आई थी कि मैं आपसे दोबारा मिलने आऊँगी. एंड मुझे इसमें लगता है कि खुदा की कोई मर्ज़ी होती है कि जब जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ होगा, पर ऐसे मैं नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो. वो बहुत ऐसे जैसे, मतलब मुझे नहीं पता मेरे दूसरे कज़न्स के लिए या क्या, क्योंकि हमारी कज़न्स में भी कोई बॉन्डिंग नहीं है. अगर मेरी फैमिली वाले, जो सो कॉल्ड फैमिली है, वो अगर ये वीडियो देख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरी फीलिंग्स का अंदाज़ा है, क्योंकि हमारी कज़न्स में कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है. ददियाल वाले कज़न्स के साथ मेरी कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि उनको मैं कॉल करके बोल भी सकूँ यार मुझे दुख हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है. मैंने आज तक अपने कज़न से अफसोस नहीं किया अपनी दादी का, और ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है. इट इज़ अ डिसफंक्शनल थिंग, जो कि आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, आप अपनी फीलिंग्स को सही दिखा नहीं सकते, आप बता नहीं सकते. किस तरह की फैमिली है मुझे नहीं पता, और मैंने कभी ऐसी चीज़ फेस भी नहीं की. तो मेरे लिए ये चीज़ इस लेवल पे बहुत बड़ा, मेरे लिए शॉकिंग रहा ये चीज़, और मेरे दूसरे बहन भाइयों के लिए, मेरी अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज दादी हमारे लिए ऐसी, दादी का प्यार भी हमारे साथ बहुत था. कभी लड़ाई झगड़ा भी होता था तो वो हमारे साथ हमेशा ऐसा होता था कि हमारी वापस से अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी, एंड दैट्स नॉर्मल. हर फैमिली में खिटपिट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और वापस मिल जाते हैं. मगर हमारे जो बड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते हैं हमारे साथ. हमें नहीं मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे क्यों करते हैं वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादती करते हैं. मैंने जो ये एक वीडियो रिकॉर्ड की, नेवर इन माई लाइफ आई थॉट कि कुछ ऐसा होगा. मैं हमेशा डरती हूँ कि जब भी कोई साल एंड हो रहा हो तो कुछ बुरा ना हो, कुछ बुरा ना हो. बट I just lost someone whom I dearly loved, and I really miss it. But the thing is ki I cannot express it, or maybe I cannot cry out, but I really miss her. And I don't know what, but I really feel helpless. And
वेरी मच कन्फ्यूज बिकॉज मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था एंड आई एम प्रेड के गॉड उन्हें हमेशा बहुत लंबी ज़िंदगी दें और हमेशा हमारे साथ रहें. समटाइम्स वी डिडंट टॉक, समटाइम्स वी टॉक्ड एंड जब बात नहीं भी करते थे तो तब भी पता था कि वो है और जब वो आज नहीं है सो आई नो दैट शी इज नॉट वेरी मिस हर. और उस दिन मैं बहुत सैड थी. मुझे कोई समझ नहीं आया था कि मैं किससे कोई बात शेयर करूँ या किसको बताऊँ, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की. और ये किसी सिंपैथी के लिए नहीं, बाय एनी मीन किसी भी सिंपैथी या उसके लिए नहीं, बट मुझे फील हो रहा था तब कि मैं बहुत तकलीफ़ में थी. और अगर मेरे जैसा कोई भी इंसान है, कोई भी शख्स है जिसने अपनी फैमिली में किसी ऐसे शख्स को खोया है जिसके लिए वो उस वक्त नहीं पहुंच सका जब उसकी डेथ हो गई है, या जो भी रीज़न रहा है, फैमिली इश्यूज रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यार हम कनेक्ट करते हैं. हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं. हम 20th century में रह के भी खुले दिमाग से नहीं सोच सकते. हम लोगों की सोच वहाँ घिसी पिटी पुरानी सोचों में अटकी हुई है, लड़ाई झगड़ों में अटकी हुई है और पुरानी बातों में अटकी हुई है. और अब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी सोच से बड़ों को कोई गर्ज नहीं है. वो कहते हैं कि हमारी तो पता नहीं क्या सोच है, मुझे नहीं पता इस सोच का, मगर बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए. जितने भी बच्चे या जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं शायद वो समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है इस वीडियो का बनाने का कोई ख़ास ऐसा मकसद नहीं है, बट इट इज़ अ स्मॉल थिंग, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. बट ये चीज़ का ये मतलब है कि यार देखो, हम लोग आज अपनी फीलिंग्स को अपने लोगों को नहीं बता पा रहे तो किसी गैर को क्या बता सकेंगे यार कि हम कैसा फील कर रहे हैं. तो जितने भी बड़े लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि एज में बड़े हैं, जो कि फैमिलीज़ में, कहते हैं भाई फैमिली में रहने के लिए गुन्ना मीसना और पता नहीं चुप्पी और पता नहीं क्या क्या इख्तियार करना पड़ता है ताकि फैमिली स्ट्रॉन्ग रह सके, साथ रह सकें, टुगेदर रह, लाइक साथ रह सकें. तो मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज़ पे हूँ कि मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ. और मेरी अम्मी हमेशा मुझे एक स्माइलिंग फेस के साथ याद है कि वो मुझे हमेशा आती थी और सलाम, तो मुझे उनका सलाम हमेशा याद आता है. जैसे आगे वो उनसे मिलती थी और मुझे हक करती थी और मेरा बचपन बहुत ज़्यादा उनके साथ गुजरा है. मैंने उनको आटा गूंथते हुए देखना, मैंने उनको खाना बनाते हुए देखना, मैंने उनको दुआ करते हुए देखना, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है. एंड मुझे पता है कि सभी बच्चे अपने एल्डर्स के साथ कितने अटैच होते हैं, और इसी तरह से मैं भी अपनी दादी से बहुत अटैच थी. अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें क्यों हुई, कैसी हुई, बट मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको मैंने शायद ये चीज़ें नहीं बताई या मैं किसी अपने से भी शेयर नहीं कर सकी, तो यार देखो हर चीज़ बताई नहीं जाती, हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जो टाइम आप जिनके साथ स्पेंड करते हो, वो मेमोरीज जो होती हैं, वो हर चीज़ जो होती है, वो आप नहीं बता सकते. कि लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, वो बोले कि लेट इट गो, कोई बात नहीं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. क्योंकि जब कोई इंसान आपसे बहुत दूर चला जाता है और फिर आप कभी उनसे मिल नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते, कितने साल हमने लड़ाई झगड़ों में मिस कर दिए, मेमोरीज नहीं बनाई, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद मेरे दिल में ही रह जाएंगी. और मैं बस अपना दिल हल्का करना चाहती थी और मैं अपने बिकॉज मैं यूट्यूब पर भी नहीं आ पाती थी. मेरी दादी की डेथ तो हुई मगर उसके बाद अभी जस्ट 2 months back मेरे चाचों की भी डेथ हो गई. तो ये फैमिली जो है, जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए फैमिली बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती थी,
उसका जो एक बिल्ड था ना, वो बिल्ड ख़त्म हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरी दादी जैसे कहते हैं ना पिलर ऑफ द फैमिली, हमारी फैमिली की एक बेस थी जिनके थ्रू हम सारे कनेक्टेड थे. तो जब वो आज नहीं है तो आई जस्ट फील कि पता नहीं, मैं अपने चाचू का दुख भी नहीं बयां कर सकती कि मैंने जब उस चीज़ को फेस किया 2 months बैक. तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ना मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों ने ऐसा कर दिया है कि ठीक है जैसा हो रहा है ठीक है बर्दाश्त करो. ऐसा नहीं होता, हर चीज़ आप टेक ऑन नहीं कर सकते. आपको कभी कभी उस फ्लो को भी निकल जाना चाहिए, उस इमोशन को निकल जाना बहुत ज़रूरी होता है. सच बताऊँ तो जब मुझे मेरी दादी की खबर मिली, जब मैं मेकअप कर रही थी और मैंने फ़ोन के बाहर एक अलग से आवाज़ सुनी कि अम्मी की डेथ हो गई है, तो मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा था कि आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी. और मेरी क्लाइंट वेट कर दी और मैं कि मुझे भी याद है कि मैंने फटाफट अपना मास्क हटाया और मैं रोने लग गई. कैसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. बस मैंने उनको बोला था मैं मिलने आऊँगी उनसे. खैर मेरी दादी चली गई, मेरे चाचू चले गए, और दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर कोई रहने के लिए आया है, बट आपने खुशी खुशी भी रहना होता है ना. तो फैमिलीज को, ये हमारे बड़ों को इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, उनको वापस से अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है. मैं आगे कुछ शायद बोल नहीं पाऊँगी और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी. इसी बात शेयर की है, ये उन लोगों तक पहुँचे जो शायद मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उन लोगों तक पहुँचे जो शायद इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और इस वीडियो के थ्रू वो समझ जाएं. सो आई जस्ट वांट टू से, अपने लिए खुशी लाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे को भी खुशी दें, क्योंकि फिर ही खुशी मल्टीप्लाई होती है.